देखो मेरे दोस्त, पहले मैंने सोचा कि भाई मैं नहा के अच्छी वाली शक्ल के साथ वीडियो बनाता, फिर मैंने सोचा यार सुबह वाली मूवमेंट नहीं देखी तो क्या देखा वैसे, है ना। और जी भाई, अपना 5 स्टार बार बार नहीं दिखाऊंगा, मैंने सोचा आज दिखा देता हूँ, क्योंकि आज की हमारी वीडियो ना कुकिंग, कैंपिंग एंड एक मस्त वाली जगह पे होने वाली है। तो इसलिए मैंने सोचा व्लॉग भी अपने टेंट से शुरू करते हैं। एंड कुछ ऐसा है भाई, ओ भाई रात को इतनी ज़्यादा सर्दी होती है ना, मतलब ऐसा लगता है कम कमी होने वाली है। -10 वाली जैकेट पहनी पड़ती है, दिख रहा है ना, -10 लिखा हुआ है ऊपर। और अभी सूर्य देवता निकले हुए ना, टेंट इतने ज़्यादा गर्म हो रहा है। चलो एनीवे, पहले आपको ना बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, उसके बाद आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा ही है। एंड जे भाई, अपने टेंट की जिप खोली है एंड बाहर का नज़ारा देखे ना, आप शौक हो जाओगे सच्ची यार। जे देखो भाई, खुल जा, जे देखो भाई, कुछ ऐसा नज़ारा है बाहर का ना, ऐसा लग रहा है कोई टीवी की स्क्रीन है भाई। एंड जे चेक आउट करोगे ना, मस्त है ना भाई, ओ माय गॉड। तो हेलो इंडिया, सुपरवार की हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप सभी का स्वागत है जम्मू कश्मीर की इन खूबसूरत वादी भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट, कुछ ऐसा ही है भाई। हमारा जम्मू कश्मीर ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इवन अरे क्या गिरा, मैं तो टेंट उल्टा हो गया, हवा आई उड़ गया कुछ ऐसा ही है। पहले अपना नज़ारा चेकआउट करो भाई, भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ से 10 किलोमीटर है भद्रवाह। और भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, सुबह सुबह ठंडी वाली वादियाँ एंड ठंडी वाली हवा भी चल रही है बाहर, टेंट के अंदर पता नहीं इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों जाती है। और भाई इन खूबसूरत वादियों में हमारी कड़कड़ाती गर्मा गर्म चाय, कितना मस्त सीन है ना सामने वाला, और गर्मा गर्म चाय मिल रही है सुबह सुबह, है ना जीतू भाई, खासकर चाय के शौकीन वाले बंदों को। तो ये तैयारी चल रही है बिहाइंड द सीन की भाई, अभी हम वीडियो बनाने वाले हैं, शक्लें ना अच्छी अच्छी आए। तो मेरे दोस्त टाइम हो चुका है सुबह के 10:30-11, इस टाइम तक ना वीडियो एडिट करके मतलब सामान पैक करके मतलब अगले सफर की ओर निकल जाते हैं। पर आज आपको बताया, आज 4 तारीख है, हमारे देश का बहुत बड़ा मतलब एक फैसला आने वाला है, कौन सी पार्टी पूरे देश को चलाएगी पूरे 5 सालों के लिए। मतलब रहता है ना कि हमारे देश में मतलब अच्छा वाला प्रधानमंत्री आए, सही है ना, अपने देश की टेंशन तो रहती है, जो हमारे देश को आगे लेके जाए, क्योंकि हमारे भी इन फ्यूचर बच्चे आने हैं तो उनके लिए भी अच्छे ही होगा, सही है ना, पहले अपना देश है बट हमारे लिए। तो इसलिए भाई आज हम न्यूज़ पे देखे जा रहे हैं कौन सा पार्टी कहाँ से जीत रही है, कौन सा नहीं। फिलहाल अभी तक ना जोगी बाबा जी के लिए बड़ा सैड बुरा हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा पीछे हैं यार। मतलब एक नाम था भाई, ब्रांड था, कि फॉरेन वाली कंट्रीज में दंगे होते थे ना, जोगी बाबा जी का बुलडोजर लेके आओ, कुछ ऐसा ही है। पर पता नहीं शाम तक क्या होगा, जब तक ये वीडियो आएगी पार्टी शार्टी बन चुकी होगी एंड जोगी बाबा जी आगे भी आ भी सकते हैं, अभी पता नहीं क्या बोल सकते हैं भाई। तो ठीक है, एनीवे पार्टी से थोड़ा दूर रहते हैं, पर अपने देश का सवाल है ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है मैं दोस्तों, अभी वीडियो एडिट कर लेते हैं, न्यूज़ को थोड़ा टाइम बंद रखते हैं और इस रिवर में नहाएंगे, ठंडा पानी है, मज़ा आ जाएगा सच्ची। अभी छाया में बैठे हुए हैं, इस रिवर का नाम है मेरू रिवर, है ना, पेरू रिवर है कुछ ऐसा ही है, पेरू लिख दूंगा नीचे अगर साइड पे नहीं आएगा तो। वो सामने ऊंचा वाला दिख रहा है ना, सबसे ऊंचा वाला पहाड़ टॉप, आज वहीं पे जाने वाले। वो सामने दिख रहा है ना बिहाइंड द सीन, हमारा दोस्त वहाँ पे काम कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, ये बिहाइंड द सीन होते है ना भाई जी। वैसे हमने बोला भाई जी हम भी सहायता करते हैं, पर भाई ने बोला आप हमारे मेहमान हो, मैंने बोला ठीक है भाई। और आज फिर से वाले बर्तन जूस होने वाले हैं भाई, आज क्या बनाने वाले हो बता दो एक बार। फ्रेंच में बनाते हैं आज तड़के वाली मैगी और बंद के साथ खाएंगे। ओके भाई, अभी भी मतलब एक भाई जी अपना न्यूज देख रहे हैं कौन सी पार्टी आने वाली है कुछ ऐसा ही है सभी को। और दूसरा जी है कि भाई अभी ना सुबह वाला खाना भी नहीं खाया है, दोपहर के कितना टाइम हुआ जी, तो भाई तुक्का क्यों मारना है, 12 बजने वाले हैं तो ब्रंच ही बनाते हैं, सही है ना। भाई जे वाली जगह ना हमें काफी ज्यादा पसंद आ चुकी है, इसलिए 1 बज चुका है दोपहर का, अब जाके हमारा ब्रंच तैयार हो रहा है। और ब्रंच हमारा तैयार कर रहे हैं अपने भाई जी, पिछला व्लॉग देखा है ना साहिल भाई जी, और भाई जी क्या बना रहे हो? बस भाई आज ब्रेकफास्ट लेट हो गया तो आज ब्रंच तैयार कर रहे हैं। ओके, मैगी और ब्रेड के साथ। पर सारी कसर ना शाम को पूरी करेंगे, है ना। शाम को क्या बनने वाला है, मशरूम, आलू, चावल? और पहुंचेगा तब ना, पहुंच जाएगा अभी उधमपुर में है, रात तक तो पहुंच जाएंगे। ओके, बच्चा नहीं ढूंढनी चाहिए। तो अभी सूखी मैगी बन रही है। और भाई ये ब्रेड लेने के लिए कितना जाना पड़ा भाई? 4 किलोमीटर। हम यहाँ पे वीडियो शूडियो एडिट कर रहे हैं बट भाई जी सारा सामान लेके भी आ रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं हमारे लिए,
चलो ठीक है, शाम को हम बर्तन साफ कर देंगे, ठीक है भैया? नहीं ब्रो, आप हमारे मेहमान हो। ओह थैंक यू, मेहमान भगवान होता है ना, इसलिए भगवान जी साइड पे खड़े हैं। अभी आप घर पे नहीं आए, ये भी हमारा घर ही है, बाहर ही जरूर जरूर ज्यादा करते हैं। चलो अब पानी डाल देते हैं भाई। अपना छोटा वाला सिलेंडर ना मेरे को मस्त लगता है। पहले हमारे पास था 5 लीटर वाला, बट उसमें ना थोड़ी दिक्कत रहती है, वो ना मतलब थोड़ा बड़ा होता है साइज में, बाइक पे कैरी करना ना थोड़ा मुश्किल रहता है। पर ये कितने दो है ना, दो है ढाई है, हाँ दो वाला है ना, कैरी करना थोड़ा आसान है भाई इसे। एंड अपने पास सारा सामान है बैठने के लिए, चेयर भी है वो छोटी वाली डिकैथलॉन वाली शायद। लो जी आपका ब्रेकफास्ट बोलो या ब्रंच। ओह थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई। आप जाके खाना नसीब हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे भाई, 1:30 पे। और जे वाली जगह है भाई इतनी ज्यादा खूबसूरत है ना, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। चलो भाई आपको भी घर बैठे मजा आ रहा होगा इन खूबसूरत वादियों को देख के। भदरवा, भदरवा है इस जगह का नाम। चलो खा लेते हैं, देन हमें निकलना है फिर आगे की ओर, फिर चलते हैं भाई। ये हमारा चल रहा है आज का ब्रंच, और यहाँ पे हम रख लेंगे कि नहीं, सही जगह है ना? भाई एक चीज तो मानना पड़ेगा, जो आपको दिखता है ना YouTube में सब कुछ सच नहीं होता है। अरे मक्खी साइड हो जा। अभी जीतू भाई यहाँ पे खाना खा रहे थे वीडियो बनाने के लिए, जैसे वीडियो बन गई वो चला गया साइड पे भाई। पानी ठंडा लग रहा था, मतलब वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आएगी, वीडियो में ना थोड़ा अच्छा दिखे, पानी में बैठ के खा रहे हैं, पर बाद में पानी ठंडा लगा निकल गया भाई, वीडियो बन गई, अपना काम बनता, बाद में जाए जनता। सच में यार यहाँ पे बैठता ना बड़ा मजा आता तुझे, बैठ जा, आजा आजा आजा, इसे बोलते हैं YouTube की पावर। ओके अब सही जगह है, पानी ठंडा लग रहा है, आए रेस्ट डे अच्छा लग रहा है ना जीतू भाई, मजा आ रहा है यार, है ना? ऐसे भी होना चाहिए ना लाइफ में। ये पता क्या हुआ, मैं उधर ढूंढा कर रहा हूं कुछ, वहां वो गाटी कौन सी थी, वो बढ़िया थी, वो सी गाटी थी, वो जुको वैली, जुको वैली, वहां पता नहीं मेरे हाथ से क्या गया, से गिरा दिया, मैं चलते चलते इसके कैमरे में आ गया, बड़ी चोट। तो भाई लोग टाइम हो चुका है इस खूबसूरत सी जगह को फिलहाल कुछ टाइम के लिए छोड़ने का, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आएंगे। और भाई कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं वो सामने चोटियाँ है ना वहीं पे जाना है भाई, क्या मज़ा होगा ना उन चोटियों के ऊपर, ठंडा वाला चिल्ड वाला मौसम और चारों तरफ से पेड़ों से कवर होगा। पर उससे पहले हमें जाना है अपने पावर बैंक लेने के लिए वहाँ पे। चलो भाई जय श्री कृष्णा, चलो तो विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर का सब कोई। चलो भाई अपना कचरा भी सारा साफ कर दिया है। ओ भाई पहले धूल मिट्टी कर दी। भाई अभी हम आए हैं पावर बैंक लेने के लिए, और सुबह हमने मतलब मैगी के साथ ना ब्रेड तो खाया बट पानी नहीं मिला, और अभी हमने ना पानी शानी भर लिया है। अब सोचोगे आसपास तो पानी है ही नहीं है, देखो ये भी खाली है, ये भी खाली है, बट यहाँ पे कई पानी है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। इवन कि मैंने भी कुछ दिन पहले ना शायद ये हिमाचल की वीडियो देखी या आपने जम्मू की वीडियो देखी, इसके अंदर भाई एक छोटी सी ना बोली टाइप बनी हुई है, ये देखो भाई कितनी मस्त बनी हुई है ना, और इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी चले जा रहा है वो देखो। एंड पानी भाई ऐसे बर्फ का पानी होता है ना, मतलब सेम चिल्ड वाला ठंडा पानी है, कुछ ऐसा है, बिल्कुल साफ है भाई। चलो भाई हमने पानी पी लिया फिलहाल, इसे बंद ही कर देते हैं कि कचरा अंदर और ज्यादा ना जाए। ओके हो गया, सही है ना? अच्छा ये पाँव क्यों मारना है, ठीक है भाई। लोग वो सामने वाली जगह दिख रही है ना, वहीं पे हम सोए हुए थे, यहाँ से देखो भाई कितनी मस्त दिख रही है ना। चलो भाई अपना 8 किलोमीटर बचा हुआ है भदरवा, वो सामने वाली जगह यार। चलो भाई और भाई ये सामने है हमारे सामने खूबसूरत भदरवा सिटी, कुछ ऐसा है। जीतू भाई को दिखा रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ से कम दिखेगी, पर हम ना अभी टॉप के ऊपर जाने वाले हैं, वहाँ से एकदम से पूरा दिखेगी भाई। हाँ जी बर्फ वाले एरिया में जाना है, वो बर्फ वाला नहीं, वो तो पासेस है ना, जब हम कठुआ वाली साइड से आते हैं ना भाई, यहाँ से कठुआ मेरा करना ज़्यादा मतलब 120 या 150 किलोमीटर ही है, जब हम कठुआ वाली साइड से आते हैं ना सरथल आता है एक, वहाँ से आता है पास। अच्छा 12 महीने जब भी जाएगा ना बर्फ ही है। अच्छा। सबसे पहले स्नोफॉल हमारे जम्मू कठुआ में होता है, बताए अच्छा? पूरे जम्मू कश्मीर में। हाँ जी हाँ, में ये तो सारा कठुआ रीजन है ना, कठुआ रीजन नहीं सॉरी जम्मू रीजन है ना, उसके पार कठुआ है। अच्छा शायद बनी आता है या कठुआ आता है कुछ ऐसा ही है।
भाई एक चीज मैंने नोटिस करी है, स्मार्ट सिटी बनने के चक्कर में ना अपने जम्मू कश्मीर भी पीछे नहीं है। मतलब यहाँ पे जिन्हें भी आपको टुक टुकवा दिखेंगे ना सारे भाई, एक सेकंड, सारे भाई मोटर वाले हैं। मतलब और डीजल वाले बड़े कम बचे हैं, डीजल पेट्रोल जो भी चलते हैं, ले जे भी मोटर वाला ही है सॉरी, मतलब बैटरी वाले हैं सारे, वो डीजल पेट्रोल वाले ख़त्म हो चुके हैं, कुछ ऐसा ही है। अरे कौन सी सड़क भाई जी, गुल्ली डंडे वाला रोड कहाँ से है इधर? ये कहाँ से जा रहा है? ये सिटी में जा रहा है अंदर? अच्छा, हाँ जी, और भी हैं तीन चार दोस्त और भी हैं, ऊपर वाला है ना? ओके सर, ओके। आपकी कॉल इस समय पूरी नहीं की जा सकती। हेलो, तू गले चला गया भाई, कहाँ पर? मैं तेरे को देखता रह गया, तू गले चला गया। हाँ जी, कहाँ जाऊँ फिर? वहाँ से वापस आ जा, तुझे रोड दिख जाएगा। किसी ने बोर्ड तो बहुत पीछे है, तू अभी जस्ट क्रॉस कर रहा है, तू बोल गुल्ली डंडा गली कौन सी है, तुझे मिल जाएगी। तो मेरे दोस्त चलते चलते हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें ना पूरा भदरवाह का व्यू दिख रहा है, कितनी मस्त सिटी है ना। साइड से ना मेरे को ऐसा लग रहा था छोटी सी सिटी है, बट यहाँ से देखने से ना मतलब कितनी बड़ी लग रही है। मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा है, मतलब लोग कम ही है ना, घर दूर दूर बने हुए हैं, लोग वही तो मैं बता रहा हूँ तुझे, लोग नहीं है यहाँ पे, पर बिल्डिंग इतनी सारी बनी हुई है। हाँ जी, पता नहीं भाई, पर यहाँ पे इतना पता है कि जिंदगी बड़ी मस्त होगी, क्योंकि ठंडे एरिया घाटी में है बिल्कुल, देखो चारों तरफ बर्फ, इनके ऊपर बर्फ भी होगी भाई पहाड़ों के ऊपर, एंड बीच में है ठंडा एरिया। चलो भाई चलते हैं, सेकंड टाइम हो चुका है मेरा भदरवाह सिटी में। बाय बाय भदरवाह वालों, वापिस आते हुए कल आऊँगा, ठीक है? भाई ये गुल्ली डंडा यही रूट है ना? ओके, और भाई वो सामने दिख रहे हैं ना जो स्नो से कवर माउंटेन है ना, वो है भाई छत्तर गला पास, 29 किलोमीटर है वो सामने वाला भाई, शायद यही से जम्मू वाली कठुआ वाली साइड जाते हैं कुछ ऐसा ही है। और भाई अभी भी बर्फ़ है यार, और बर्फ़ वाली साइड से ना ठंडी मतलब ठंडी हवा आ रही है चोटियों की तरफ से, और क्या ठंडी लग रही है भाई अभी। लोग अभी ना चलते चलते हम पहुंच चुके हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर, और यहाँ भी वो साइड पे देखो फूल कितने मस्त आ रहे हैं ना, ये देखो भाई किच, अरे यार देखो भाई, ओ माय गॉड कितने मस्त वाले फूल आ रहे हैं ना, देखो यार क्या चीज़ है। एक मैं रुक के देखता हूँ, मैं कितने मस्त लग रहे हैं ना, इनमें क्या सुगंध भी है? सुगंध नहीं है भाई, वैसे भी यहाँ पे इतना मस्त वाला मौसम है, सामने चट्टाने सॉरी चोटियाँ ऊँची बर्फ़ वाली, पाइन के ट्री है, ठंडा वाला मौसम है, और फूलों ने ना चार चांद लगा दिए भाई, कुछ ऐसा ही है ना जीतू भाई। अरे यार नेक्स्ट पहली बार ऐसी जगह, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इन्हें, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, पर गाड़ी में आया था शायद उस टाइम ना बारिश हो रही थी यार, सच्ची कितने मस्त लग रहे हैं ना। भाई सबसे बड़े कलाकार ना नेचर ही है यार, उससे बड़ा कलाकार कोई नहीं है, बात सच है भाई, ऑसम यार। ये सारा अभी गिरा? अभी। ओ भाई देखते देखते, ओ भाई अभी लैंडस्लाइड हो रही है सामने, और नीचे से देखो गाड़ी निकल रही है। मेरे को लगा इतना धुआं कैसे आ गया, मैंने सोचा मतलब रोड टूटा हुआ है, सफाई हो रही है वो, मुझे भी ये लगा है ना, वो देखो भाई, ओ भाई खतरनाक, ओ देखो भाई कैसे पत्थर आ रहे हैं ऊपर से, ओ भाई आगे मैं जा जीतू भाई, और देखो, ओ भाई नहीं, ओ खतरनाक भाई,
फर्स्ट टाइम लैंडस्लाइड देख रहे हैं और ऊपर से अगर कोई पेड़ आ गया ना सुहा हो जाना है। ओ नो, ओ रास्ता बंद हो गया भाई, जल्दी जल्दी क्या निकलना है, अब निकल ही नहीं सकेंगे। ओ पूरा आ गया, ओ भाई नीचे वाली साइड रोड है, ओ तिरगी, ओ नीचे भी रास्ता बंद हो गया भाई सामने। ओ भाई, ओ यार गाड़ी गुड़ी तो नहीं आ रही कोई, शुक्र है भाई गाड़ी जो अभी निकली है ना नीचे नहीं पहुंची है, नहीं तो सौ जाना है। उस बंदे ने सबर ही नहीं करा यार, वो देखो गाड़ी वाला सामने निकला है ना, नैनो नैनो सेकंड में सौ जाना था। हाँ उसके बाद ये कुछ सेकंड में गिरी है। ओ भाई ओए जल्दी जल्दी निकल, अभी नहीं निकल सकते यार, रुक जाते हैं ना। हाँ हाँ उसे पता नहीं चला, पर अभी नीचे जाके पता चलेगा उसे कि बहुत ज्यादा खतरा है। नहीं ओ भाई एक चीज है, सोचो हम भी टाइम पे पहुंचे हैं, वहां कसम कुछ सेकंड की देरी है जैसे, मतलब और आ गया वो आगे भी गिर रहा है भाई, पूरा रोड ही नीचे बंद हो गया देखते देखते है ना। वो जो आगे वाला है वो पहाड़ पूरा रोड के ऊपर ही आ गया है। ओ भाई आगे मत आना, इधर लैंडस्लाइड हो रही है, आगे मत आओ। आ गया मलबा आ गया भाई, आहिस्ता 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 देख रहा, ऊपर वाला कोई पेड़ ना सीधा आ गिरे, कभी ऊपर से फेंक तो नहीं रहा भाई। सड़कों के किनारे ना इतना ज्यादा खूबसूरत फूल लगे हैं ना, और सुना है आपने यहाँ पे ज्यादा खूबसूरती होती है ना, खतरा भी वहीं पे होता है, और वही खतरा अभी हम फेस कर रहे हैं। पता नहीं कब तक ये लैंडस्लाइडिंग होगी, और अभी हम ना थोड़ा पीछे आ चुके हैं क्योंकि ऊपर वाली साइड ना पेड़ भी टेढ़े हो चुके हैं, ऐसा ना हो कि एक गिरे उसके मतलब दूसरे भी दूसरे के ऊपर गिरे, ऐसा ना हो कि यहाँ पे देर लग जाए, तो इसलिए पीछे हो चुके हैं। चलो भाई अभी ना लैंडस्लाइड थोड़ी बहुत रुकी हुई है, तो चलो भाई रोड साफ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जल्दी से निकल जाते हैं। इन भाई लोगों ने बोला कि रोड अभी नहीं गिरेगी तो हम जा रहे हैं आगे। ओ भाई शुरू हो गया फिर से, अभी भी खतरा बना हुआ है ना। इन भाई लोगों ने बोला कि अभी नहीं गिरेगी, चलो साथ मिलके ना रोड साफ करते हैं ना, ये साथ ही मरेंगे हमें मरवाएंगे। हाँ कुछ ऐसा लग रहा है जी, तो भाई मत जा, मां कसम नहीं गिरेगा, नहीं मोटरसाइकिल के लिए हो चुका है। चलो भाई पहले ना जीतू भाई जा रहे हैं पार। ओ भाई इतने में पत्थर आने शुरू हो गए थोड़े थोड़े, ओ भाई निकल गया शुक्र है। चलो भाई मैं ना सबसे लास्ट में जाने वाला हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले रहा भाई अपनी जिंदगी का, सही है ना, क्योंकि ऊपर ना एक पत्थर ऐसे रुका हुआ है बहुत सामने, देखो भैया सामने वाला। चलो भाई अपना दूसरा बंदा भी निकल गया, जय श्री कृष्णा भाई, मेरा नंबर भी आ चुका है और मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है। ओए मेरे बारे पत्थर आना शुरू हो गए भाई, ओ भाई ले निकल गया मेरी बारी पत्थर शुरू हो गया ना, मेरी बारी पत्थर शुरू हो गए। वो नीचे आई है तो गाड़ी भी पत्थर बड़े भी आएंगे नीचे, अगर बड़ा पत्थर आ गया फिर गाड़ी भी गई साथ में। अच्छा ये पत्थर तो ले जाएगा गाड़ी को भाई अभी ना टॉप के इतने ऊपर आ चुके हैं, जो पाइन के ट्री है ना ये बहुत लंबे लंबे दिख रहे हैं भाई, ये कहाँ ऊपर तक पहुंचे हुए हैं, बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं। ओके अंकल लोग देखिए उन्होंने जैकेट शैकेट पहनी हुई है, और अभी ना हम मुझे लग रहा है वैसे एल्टीट्यूड पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे होते नहीं है लद्दाख वाले लेवल पे कुछ, है ना, तभी यहाँ पे ज्यादा खत्म है। रात को हमें जैकेट पहननी पड़ेगी, वो तो नीचे भी पहनी थी -10 वाली। जीतू भाई कहाँ है, जीतू भाई आ रहा है पीछे, ऊपर देखो घास के मैदान है हर जगह है ना, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये पास है बस, ये पास उतरते ही आपके कठुआ की तरफ रोड जाएगा। ओह वाओ बात तो सच है यार। ओ भाई अभी ना बर्फ वाला पहाड़ ना थोड़ा पास आ चुका है बिल्कुल, मतलब एक खाई है बीच में, और भाई ठंडी हवा सीधी ऐसे आ रही है सीधी। कुछ तो भाई तो मेरे दोस्त अपनी 4 दिन की लगातार यात्रा करने के बाद अनएक्सपेक्टेड जगह पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे हमें किस्मत लेके आई है। एंड भाई चलो मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं, एंड सूर्य देवता बड़े पास नज़र आ रहे हैं, इन्नी ऊपर आ चुके हैं, एंड जिस सारा हमने कवर करा है बिल्कुल टॉप के ऊपर है यार, कुछ ऐसा नज़ारा है।
चलो भाई अभी ना हमने जगह भी फाइंड कर ली है, यहाँ पे आज हमें रहना है। और अच्छी बात पता क्या है, यहाँ पे नेटवर्क भी है। पहले टेंशन हो रही थी नेटवर्क होगा या नहीं होगा। हाँ भैंस का दूध, भैंस रखी है ना, भैंस का दूध भी मिल रहा है भाई आते आते ही। एंड वो वाली जगह यहाँ पे हमें टेंट लगाना है भाई। लोगों को काफी टाइम के बाद नेटवर्क मिला है, वो अभी चला रहे हैं, वीडियो शूडियो अपलोड कर रहे होंगे कुछ। एंड जय भाई, वेलकम टू द शौर्य चक्रा RCC, अल्टीट्यूड 9555 फीट पे अभी हम। एंड इसको हम गुल्ली डंडा बोले जा रहे थे ना, गुल्ली डंडा नहीं है, गुल डंडा कुछ ऐसे है, गुल डंडा। और भाई क्या मस्त जगह लग रही है ना। एंड कुछ ऐसा है, चाय शाय पकौड़े शोड़े सारा कुछ मिलता है यहाँ पे। थोड़ी है मेरे दोस्त, हम भी इतनी दूर से आए हैं, थोड़ी वो रेस्ट कर लेते हैं एंड देन टेंट पिचअप करते हैं और जल्दी कुकिंग करना शुरू कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है रात को ना टेम्परेचर, मतलब पीछे भाई बर्फ दिखी काफी ज्यादा, तो माइनस पे पहुंच जाता होगा, माइनस के आसपास, 4-5 के आसपास, तो इसलिए पहले ही सारा काम करना पड़ेगा। नहीं भाई, पहले ना हम वहां पे टेंट लगा रहे थे, फिर एक भाई जी आए, उन्होंने बोला ये भैंस है ना रात को टेंट के ऊपर चढ़ जाती है, तो इसलिए ना आप कहीं और टेंट लगा दो। और यहाँ पे भैंस से भी है भाई, इन्हें सर्दी में सर्वाइव कर रही है यार। फिर हमें ना ये वाली छत दिखी मिट्टी वाली, इसके ऊपर लगा दिया। एंड अभी सही भी है, साफ सुथरा है नीचे, और टेंट पीछे हो चुके हैं। बस अभी कुछ टाइम के बाद ना खाना बनाने का काम शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा ही है। पता है सभी का अंकुश के हाथ हैं काले हो गए हैं यहाँ पे, ठंडी हो गई। अच्छे से उतार ना भाई ये काला काला सा, भाई सब करूंगा भाई। आज ना ऐसा चल रहा है कि भाई खाना बन जाए जैसा मर्जी हो, क्योंकि सुबह दोपहर को ना हमने ब्रेड खाए थे थोड़े बहुत, अभी तगड़ी वाली भूख लगी है। और भाई ये थोड़े बहुत हमारे ना जो मैंने काटे हैं ना आलू, थोड़े बहुत खराब निकले हैं, मतलब काले काले हैं, पर फिर भी हमने ऐड कर लिए हैं। सब कुछ बन के रेडी हो चुका है, मसाला रेडी हो चुका है, बस अभी ना तड़के लगाने शुरू करने हैं। और बाहर देखो भाई के पीछे ना कितने ज्यादा तूफान चल रहा है, टेंट हिल रहा है ना, पता चल रहा होगा भाई। समझ नहीं आ रहा कि भाई लोगों ने आलू कहाँ से लिए हैं भाई, कहाँ से लिए हैं भाई। जल्दी जल्दी मैंने यार आलू ठग दिया, मतलब कोई भी टंका नहीं है। देखो ये भी काला है, ये भी काला है, और जो आने वाले हैं ना वो भी काले हैं भाई, ऐसा थोड़ा ना होता यार। भाई जीतू भाई ने तेल डाल दिया अभी, अभी ये टेंशन हो रही है कि तेल ज्यादा तो नहीं हो गया भाई, गर्म है या नहीं। वाह जी वाह, बस ये वाली आवाज है ना शाम को मतलब रिलैक्स कर देती है। सुनो आप पहले भाई, तेल कच्चा है यार, कोई चक्कर नहीं है। कच्चा नहीं है ये, प्योर उसका। भाई घर पे खाना बनाते हैं ना, जैसे माता श्री बनाते हैं सभी के घर पे, भाई आधे घंटे में एक घंटे में खाना बन जाता है। पर जो हम खाना बनाते हैं ना उसमें 2.5-3 घंटे लगते हैं, समझ नहीं आता इतना ज्यादा टाइम क्यों लगता है। इवन की घर पे माता श्री अकेले होते हैं ना, हम 3-4 लोग हैं यहाँ पे काटने के लिए अलग से। पहले क्या करना कैसे करना हमें पता ही कुछ नहीं है, मतलब 3 बंदे एक अलग से सामान लेने के लिए लगा हुआ है बाहर से, मेरा काम काटना छाटना है, तू भाई बना रहा है आज, पर फिर भी यार 2.5-3 घंटे लगते हैं ना। तो भाई अभी ना अपनी सब्जी ना गड़कना शुरू हो चुकी है, उबलना शुरू हो चुकी है, पंजाबी आ गई, गड़कना शुरू हो गई है, मतलब उबलना शुरू हो चुकी है। ठीक है भाई, इसके बाद हम चढ़ाने वाले हैं चावल। एंड दिखने में क्या मस्त लग रही है ना सच्ची भाई, कल यही वाली सब्जी ना काली काली हो गई थी, मतलब टमाटर ही सड़ा दिए ना थोड़े, जल गए ज्यादा। तो ठीक है भाई, अभी हम चावल बनाएंगे, एक साथ मिलते हैं अभी खाते टाइम से, है ना। ओ भाई छींटे ऊपर पड़ रहे हैं भाई, पहले ना आप टाइम चेकआउट कर लो, मतलब 11 बज चुके हैं। और ये देखो भाई खाना भी ना अपना हो चुका है, अभी बन रही है चाय, और भाई अपना हर्ष भाई भी आ चुका है। एंड 4 दिन की कड़ी मशक्कत करने के बाद हमारे पास पहुंचा है। और हर्ष भाई कैसा रहा सफर? बस बढ़िया, वैसे तो फोन पे सारा अपडेट था, वीडियो में बताना थोड़ा, और दिखने दे चाचा को, शक्ल सभी को पता है। अच्छा भाई यहाँ तक पहुंचने में शक्ल खराब हो जाती है बंदे की, अब तो सही होगी, 2 घंटे ना ठीक होगी, कोई टेंशन नहीं, रोटी खा दी ना इतने बनी हुई, इतना है कि 4 दिन से ना आसा ही नहीं होगा, जब से यहाँ पे पहुंचा ना ही सारा माँ का सही सही हंसी बंद हो रखी, हंसी बंद फोन पे करता था क्या यार, दिमाग खराब हो रखा है। और कैसा रहा सफर? आदमी का हालत खराब, कैसा रहा सफर भाई? बाकी सब ठीक है, बस पीछे जो बैक वाला पोर्शन है उसका हाल बड़ा खराब हुआ है। ओहो माय गॉड, ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है।
बस मतलब ये है कि दिल्ली से चला है ना, बड़ा लंबा सफर है। अगर ट्रेन में रख लेता ना बाइक तो थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि यहाँ पे लंबा सफर था। दोस्त इतने अच्छे राय तब देते जब कुएं में गिर रहे होते हैं। ईमानदारी बताऊं, यहाँ आने के लिए ना सीधा जम्मू से सिर्फ 90 किलोमीटर का रास्ता था लखनपुर से, लेकिन कोई एक बंदा था जिसने ये बताया वो यहाँ आने वाला है और लंबा लंबा नहीं नहीं हम किश्तवाड़ निकल जाते, वो रोड भी खराब है फिर तेरे लिए लंबा हो जाता, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा भाइयों के साथ। चंगा भरा से थी बुलाया किसी और बुला दो नहीं किश्तवाड़ सही है फिर तो इतने आने आने हाल बुरे हो गए। चलो ठीक है भाई, चाय पी लेते हैं। अगर बोडो भाई देख रहा ना भाई, इसने लिया है बोडो से ये वाला कैमरा, इतना परेशान हर्ष नहीं है जितना मैंने जीतू भाई को देखा है। माँ कसम क्या हुआ जीतू भाई, पांच चार शॉट लेके डेड, मतलब मेन वाले शॉट कट हो जाते हैं ना, वो आज वाला शॉट हुआ है। मैं आज तो सही, अब तो ध्यान रखता हूँ, पहले दिन मैं वीडियो बना चालू करके पता नहीं था वीडियो बनाता आ रहा, देखा बाद में कुछ भी नहीं बना। भाई यहाँ पे दो बंदे दिख रहे होंगे, ऐसा नहीं है, तीसरा बंदा बाहर है, उसे फेस रिवील करना है, वो कर दिया भाई। मैं स्पेशल गिफ्ट भी लेके आया हूँ भाई के लिए। ओ थैंक यू भाई, कॉफी में डाल दे, समझदार बंदा है। और आश भाई और भी चीजें लेके आया, ये वाली चीजें भाई दिख रहा है ना, ये मेरे लिए दिल्ली से आया, ये भी मतलब था, ये जीतू भाई का जूस कर रहा था, जीतू भाई ने मेरे लिए सैक्रिफाइस करा है, फिर मेरे को मिल गया ना। चल ठीक है भाई, वैसे भी तेरा जूस करा है मैंने, नीचे वाली साइड चाहिए। क्या ओए माँ कसम, वो आस पास फैमिली होंगी, वो सोच रहे होंगे कहाँ से आए गधे है ना, हंसते हंसते जा रहे हैं, हंसते जा रहे हैं ना, आज मजा आया नहीं, कल उनका मन नहीं लगेगा जितनी आज रोने को। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज का वीडियो इतना रखते हैं, रात को चुड़ैल भी आ सकती है, वो बालू भी आ सकता है, बट वो किसी और बंदे की वीडियो में दिखेगा। कुछ बंदे हैं ये बाहर बैठे हुए हैं तो वो क्रिएट कर लेंगे अपने हिसाब से, हमें पता नहीं है। तो ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में। कल से हम, कल भाई जी चलोगे हमारे साथ? देखते हैं, मुश्किल लग रहा है, कल वापसी जम्मू, वापसी जम्मू चलना हमारे साथ फ्यूचर में, जरूर जरूर भाई। तो ठीक है मैं दोस्त, तीनों भाई होंगे, मतलब कल से अपना देखते हैं, अभी आश भाई थका हुआ आया, कल इसके लिए थोड़ी रेस्ट करेंगे एंड देन देखते हैं भाई, कल होने वाला है सारा। बहुत धन्यवाद। अगर नेटवर्क यहाँ पे नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। नेटवर्क तो है यहाँ पे नहीं, वो वाला नहीं है, हाथी के दांत है, हाथी के दांत दिख रहे हैं बाहर, अच्छा है, बाहर अच्छा है, मतलब इन्होंने मोड इससे नीचे वाला मोड पे जाओगे ना तो वहाँ सही है, इन्होंने पहले मोड बना लिया कि भाई रुकना है ना, बढ़िया भाई घूमे आए ना, घूमे घूमे। तो ठीक है मैं दोस्त, मिलते हैं आपको कल नई वीडियो में, कल क्या होने वाला है हमें पता नहीं है। ठीक है, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक बस प्राये किने नई वीडियो चार चार बार बोल दिया मैं, भूले जा रहा हूँ। तो ठीक है मेरे दोस्त, राते राते सी लगता असर हो गया, चार चार बार हो गया यार, चढ़ गई हाँ चढ़ गई भाई, तुम लोग मत हंसो यार, पता चल जाएगा सभी को, वो ऐसे ही बोल देंगे। जीतू का फेस लाल हो गया पूरा।